वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट इस लेक्चर के अंदर हमारे पास इनऑर्गेनिक सेक्शन के अंदर जो हमारे कंपाउंड्स हैं सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4, इन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और इन कंपाउंड्स के बारे में याद रखिएगा, इसका जो सवाल आता है वो एक तो इक्वेशन को कम्प्लीट करने का आता है और दूसरा इसके अंदर आपको प्रोडक्ट के बारे में लिखना होता है कि प्रिपेयर दिस और प्रिपेयर दिस। और ये पीछे वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें आप पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले याद रखिएगा इसका सवाल कैसे आएगा और आपने जो है वो पढ़ना क्या है। तो दो चीज़ें इसके अंदर आपने लाजमी पढ़नी है, समझनी है कि आपका प्रोडक्ट क्या आएगी और आपने उसको बैलेंस करना है। जब ये दो चीज़ें आप सीख लेंगे तो दो चीज़ें सीखने के बाद आपके पास जो है वो पेपर को अटैम्प्ट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग के अंदर अब छोटे छोटे जो सवाल आते हैं वो छोटे छोटे सवाल आपको इक्वेशन को कंप्लीट करने के आते हैं और जो है वो आपकी प्रिपरेशन आती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट को। सबसे पहले देखें, सिल्वर नाइट्रेट को प्रिपेयर करने के लिए हम सिल्वर लेते हैं और सिल्वर को हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, अब नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ चुके हैं। अब देखें, जब इसके अंदर रिएक्ट होगा तो सबसे पहले याद रखें कि इसकी जो पहली प्रोडक्ट होती है वो आपके पास क्या होती है, AgNO3। पहली प्रोडक्ट तो बेटा इसकी होती है AgNO3। ठीक है, अच्छा अब दूसरा याद रखें, नाइट्रिक एसिड आप पढ़ के आ रहे हैं, आपको पता है कि इसके अंदर दो प्रोडक्ट आती हैं, एक आपका NO आता है और एक आपका इसका क्या आता है बेटा, वाटर आता है। तो ये दो प्रोडक्ट इसकी आती हैं। ठीक है, अब इसको देखें बैलेंस करने का तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी बैलेंस करने के लिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसकी प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक तो AgNO3 आ गया, NO आ गया और वाटर आ गया। अब बैलेंस करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक इसका याद रख लें, जब भी आप इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने में सबसे पहले याद रखें, नाइट्रिक एसिड हम पढ़ चुके हैं कि नाइट्रिक एसिड में हम क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, 4 इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, जब आपने 4 लगाया तो यहाँ देखें हाइड्रोजन हमारे कितने हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं, और यहाँ पर जो देखें बेटा हाइड्रोजन है वो हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। तो इनको बैलेंस करने के लिए हम 2 लगाएंगे, जैसे ही 2 लगाएंगे तो देखें ये हाइड्रोजन आपके बैलेंस हो चुके हैं। लेकिन जब आपने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, अब देखें 4 लगाने की वजह से आपका जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन यहाँ पर 4 हो चुके हैं, और यहाँ जो नाइट्रोजन है यहाँ 1 है और यहाँ पर 1 है। तो आपने सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर 3 लगा देना है। इस 3 लगाने की वजह से क्या होगा कि 3 नाइट्रोजन ये हो गए और 1 नाइट्रोजन ये हो गए, टोटल नाइट्रोजन आपके पास 4 हो गए। अब इस 3 लगाने की वजह से आपके नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गए लेकिन सिल्वर डिसबैलेंस हो गए। तो सिल्वर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे बेटा, 3 लगा देंगे। इस तरह करके हमारी जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो सब सिंपल सा कोई एक एटम ले लें, उसको याद रख लें। आमतौर पर नाइट्रिक एसिड आपको याद है कि यहाँ 4 होगा, वहाँ पर आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन बैलेंस होंगे, हाइड्रोजन के पास क्या होगा, नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। जब नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे तो उसके बाद फिर आप जो है वो सिल्वर को भी क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। अब स्टूडेंट देखें, इसमें हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये वो सवाल है जो आमतौर पर पेपर में आता है कि जब आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट को जब आप हीट करेंगे 400 सेंटीग्रेड के ऊपर तो उसकी केमिकल प्रोडक्ट क्या होगी। तो सबसे पहले याद रखें कि आपके पास जब भी आप सिल्वर नाइट्रेट को 450 सेंटीग्रेड के ऊपर हीट करते हैं तो याद रखें कि ये आपका मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो सिल्वर नाइट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेटा, सिल्वर के अंदर, और जो दूसरी प्रोडक्ट आएगी वो आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर आएगी। ठीक है, तो जब हमने सिल्वर को रिएक्ट करवाया था नाइट्रिक एसिड के साथ तो हमारा सिल्वर नाइट्रेट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर बना था। लेकिन जब आपने इसको हीट किया है 400 सेंटीग्रेड के ऊपर, तो ये ब्रेक हो गया किसके अंदर बेटा, सिल्वर के अंदर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। अब इसको बैलेंस करने का तरीका सुन लें, देखें यहाँ पर लगा हुआ है 2, यहाँ पर लगा हुआ 2, तो ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हमारे पास, 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लगा देते हैं 2। अब देखें इस 2 के लगाने की वजह से क्या हुआ, 2 के लगाने की वजह से हमारे ऑक्सीजन हो चुके हैं 6 और नाइट्रोजन ऑक्सीजन हमारे पास कितने, 2। लेकिन इसके वजह से 2 लगाने की वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन भी डिस्टर्ब हुआ और सिल्वर भी डिस्टर्ब हुआ। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एक तो 2 लगाते हैं, 2 लगाने की वजह से सिल्वर बैलेंस हो गया और फिर यहाँ पर भी हम 2 लगाते हैं, 2 लगाने की वजह से अब देखें ये हमारे पास ऑक्सीजन 4 और 2, टोटल हमारे पास 6 हो सके। अब देखें ये हमारी ऑक्सीजन वाली जो प्रोडक्ट है ये भी हमारी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अब स्टूडेंट देखें इसका सेकेंड रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब देखें इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर इसका रिएक्शन तो सिंपल सा है कि देखें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये आपका सिल्वर ऑक्साइड बना लेगा और ये आपका क्या बना लेगा, सोडियम नाइट्रेट बना लेगा। लेकिन यहाँ होता ये है कि जो आपका सिल्वर हाइड्रोक्साइड होता है, ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड बेटा आपका होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल होने का मतलब ये है कि ये सिस्टम में ज़्यादा देर तक मौजूद नहीं रहता और इसका जो रिएक्शन होता है ये फिर आपका जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड होता है फिर ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, डार्क ब्राउन सिल्वर ऑक्साइड के अंदर।
अब देखें ये इसकी प्रोडक्ट है कि जब आपने इसको रिएक्ट करवाया तो ये आपका अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड है। थोड़ी देर के बाद आपको टेस्ट ट्यूब में नजर आएगा कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड आपका कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर बेटा, सिल्वर ऑक्साइड के अंदर। अब स्टूडेंट देखिए इसको बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ क्या लगा देना है, टू लगा देना है। जब आप ये टू लगाएंगे तो ये आपकी जो इक्वेशन होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इसके बाद आप देखें इसके बाद रिएक्शन ऑफ रिएक्शन विद अमोनिया है। अब देखें इसका बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। देखें अभी हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ के आए हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर आपको पता है कि जब भी आपके पास कोई मेटल हो, ट्रांजिशन मेटल हो, और उसके साथ कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल रिएक्ट करे जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो, तो ये आपके पास जो कंपाउंड्स होते हैं ये कंपाउंड्स क्या बना लेते हैं, ये कंपाउंड्स आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। तो अब इसमें देखें ये वही आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब हम पढ़ के आए थे, इसके अंदर देखें सिल्वर, सिल्वर आपके पास क्या है, सिल्वर आपके पास एक ट्रांजिशन मेटल है। जब आपने इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया तो अमोनिया ने देखें इसके साथ रिएक्ट करके इसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। और देखें ये जो आपका नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट आपका जो है वो आपका बाहर यहाँ पर आकर आके क्या हो चुका है, अटैच हो चुका है। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका ये है कि ये आपके पास जो है सिल्वर, एक आपके पास जो है वो ट्रांजिशन मेटल है अमोनिया, ये आपके पास एक लोन पेयर मौजूद है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये इसको कन्वर्ट करवा देगा किसके अंदर, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। अब स्टूडेंट इसके यूजेज ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन लेबोरेटरी, सबसे पहले देखें आपने फर्स्ट ईयर की लैब की होगी। फर्स्ट ईयर की लैब के अंदर जो हम पांच एलिमेंट को डिटेक्ट करते हैं जिसके अंदर आपके पास जो होता है वो सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, उसके बाद होते हैं हैलाइड्स। तो हैलाइड को डिटेक्ट करने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट को क्या करते हैं बेटा, यूज़ करते हैं। तो देखें अगर हमारे पास जो है वो क्लोराइड अगर सैंपल में मौजूद है, सैंपल के अंदर अगर आपका क्लोराइड मौजूद है तो ये आपका जो सिल्वर नाइट्रेट है, ये सिल्वर नाइट्रेट इसको रिएक्ट करवा के किस में कन्वर्ट करवा देता है बेटा, सिल्वर क्लोराइड के अंदर। आप देखिए जो सिल्वर क्लोराइड होता है, ये सिल्वर क्लोराइड आपके पास जो होता है वो इसके प्रेसिपिटेट जो होते हैं वाइट होते हैं, ये लैब के अंदर परफॉर्म किया होगा। तो हैलोजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम आमतौर पर सिल्वर नाइट्रेट को यूज़ करते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट की प्रॉपर्टी ये है कि जो भी आपके पास हैलोजन मौजूद है वो हैलोजन इसके सिल्वर के साथ रिएक्ट कर कोई ना कोई प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स आपका बना लेगा। अब देखें अगर हमारे पास सिस्टम में ब्रोमाइड मौजूद होगा तो ये बना लेगा आपका सिल्वर ब्रोमाइड। अगर हमारे पास क्या होगा, क्लोराइड होगा, आयोडाइड होगा, तो वो क्या बना लेगा, आयोडाइड बना लेगा। तो इसमें देखें इसका जो सवाल बनता है वो सवाल एक तो ये है कि आपको पूछ लिया जाएगा कि भाई आप सिल्वर नाइट्रेट की जो है वो यूजेस लिख दें, और दूसरा डिटेक्ट करने में जो इनके रेडिकल्स के, इनके जो प्रोडक्ट के कलर्स हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपके पास अगर क्लोराइड है, अब देखें सिल्वर क्लोराइड, अगर क्लोराइड होगा तो सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट्स होंगे। अब देखें अगर आपके पास ब्रोमाइड है तो क्या बनेगा, सिल्वर ब्रोमाइड है, और उसके होंगे लाइट येलो प्रेसिपिटेट्स। इसके बाद देखें अगर आपके पास आयोडाइड होगा तो आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो इसका सवाल यूजेस में आमतौर पर इस तरह से आएगा।